बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ, और अल्लाह पाक से उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम देखने वाले बहन भाई खैर आफ़ियत से रहें, खुश व खुर्रम रहें, और अल्लाह ताला तमाम बहन भाइयों को अपने घरों में शाद आबाद रखे। जी ये इधर मैं पका रही हूँ आलू मटर और गाजर वाले चावल बना रही थी, मिक्स सब्ज़ी वाले चावल जैसे होते हैं, तो इधर मैंने ये सब चीज़ें बना ली हैं। इधर ये चावल हैं आप देख सकते हैं, ये इधर छिलके रखे हुए हैं। तो प्याज मैं जब ब्राउन कर रही थी, इधर मेरे प्याज जो है ना तकरीबन ब्राउन हो चुके हैं, और अब इसमें जो है ना मैंने ऐड किए हैं आलू मटर और गाजर। तो ये वीडियो क्लिप जो है ना मैंने तकरीबन दो दिन पहले ही बनाए थे, काफ़ी दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, और ये कुछ ऐसी वजह बनी जो है ना मैं ये वीडियो अपलोड ही नहीं कर सकी, और इससे आगे मैं वीडियो बना ही नहीं सकी। ये आप देखें बस यहीं तक ये वीडियो क्लिप है, इससे आगे मैं नहीं बना सकी क्योंकि कुछ मेहमान आ गए थे और उनकी मौजूदगी में मुनासिब नहीं था कि मैं जो है ना वीडियो जो है ना रिकॉर्ड करती, तो मैंने वहीं पर ही छोड़ दिया जहाँ तक मैंने बनाई हुई थी, मतलब बस यहीं तक ही बनी थी, इससे आगे मैं नहीं बना सकी। तो खैर चलें कोई बात नहीं, ये जो छोटे छोटे क्लिप ठहरे थे मैंने इनको जोड़ लिया, और मैंने कहा जो अपने व्यूवर्स के साथ जो है ना शेयर कर लेते हैं। ये देखें आजकल जो है ना प्याज को तो ऐसे आग लगी हुई है, सोने के भाव प्याज मिल रहे हैं, प्याज तो जो है ना इतने महंगे हैं कि गरीब बंदा तो अफोर्ड भी नहीं कर सकता। लेकिन मैं जो है ना अपने बहन भाइयों को सलाम पेश करती हूँ जो कि मुश्किल वक्त में मेरे साथ हैं। इंसान का जो असली दोस्त होता है ना, तकरीबन रिश्तेदार होते हैं ये जो भी होता है, वो उनका पता गुर्बत में चलता है कि ये हमारे साथ कितने ज़्यादा मुखलिस हैं और कितने नहीं हैं, क्योंकि गुर्बत में तो जो साथ देता है वो हमेशा इंसान को याद रह जाता है। तो मेरे व्यूवर जो मेरी गुर्बत में मेरे साथ हैं, मुझे कमेंट करते हैं, मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, तो मैं उन बहन भाइयों को सलाम पेश करती हूँ। इंशाल्लाह अगर वो इस टाइम मेरे साथ हैं तो इंशाल्लाह वो देखेंगे कि वो अच्छे टाइम में भी वो मेरे साथ होंगे और मेरा अच्छा टाइम भी वो देखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह के आगे देर है अंधेर नहीं है, आज अगर हमारे हालात तंग हैं तो इंशाल्लाह कल अल्लाह ताला हमें अच्छे हालात भी ज़रूर दिखाएगा। ये मैं दिखा रही हूँ इधर कप्स के बच्चे कैसे इनकी ये जो पकड़ने वाली होती हैं तोड़ देते हैं। बच्चे जिस घर में होते हैं माशाल्लाह से रौनक भी होती है और उनकी छोटी छोटी शरारतें भी होती हैं, तो अल्लाह ताला तमाम जो है ना बच्चों को सलामत रखे। बच्चे घर की रौनक होते हैं। इधर मैं नाश्ते का थोड़ा सा मैंने क्लिप बनाया था तो वो भी मैं कंप्लीट नहीं आपको दिखा सकी, तो खैर चलें कोई बात नहीं। ये इधर मैं आटा गूंद रही थी, और ये आप इधर मेरी मुर्गियां देख सकते हैं, तकरीबन ये मेरी मुर्गियां घास जो है ना खा रही हैं, शाम का टाइम है। ये देखें कैसे घास खा रही हैं मुर्गियां, और ये टोनी है जो कि अम्मी के घर का है, टोनी है, मैं आपको दिखाती रहती हूँ इसकी छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स। ये अब देखें इनकी छोटी छोटी शरारतें। ये अम्मी के घर गए हुए थे तो मुझे नहीं पता, ये इशना ने फ़ोन उठाया और उसने ये रिकॉर्ड किया इसका। ये देखें जी तो चलें जी मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।